आज हम सुपर सॉफ्ट रवा ढोकला यानी कि सूजी का ढोकला बनाएंगे। मैं इस वीडियो में सूजी का ढोकला बनाने के खास ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप सुबह की भागम भाग में एक भी गलती किए बिना परफेक्ट सुपर सॉफ्ट हेल्दी नाश्ता बना पाएंगे। ये नाश्ता आप सिर्फ 2 से 3 चम्मच ऑयल के अंदर और 15 से 20 मिनट में बनकर के आपके तैयार हो जाएगा। देखिए हमारे ढोकले कितने सॉफ्ट स्पंजी बनकर के तैयार हुए हैं और अंदर से कितने जालीदार हैं, एकदम परफेक्ट आप बना पाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल नया और परफेक्ट तरीका मिलेगा। तो चलिए सर्वोत्तम रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सुपर सॉफ्ट हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 कप छाछ लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाला हुआ है, ये जीरा वाली 1 कप छाछ ले रहे हैं। यहाँ हम दही नहीं ले रहे हैं, अगर आप दही लेते हैं तो आधा कप दही ले लीजिए, फिर उसमें आधा कप पानी डाल के उसको थोड़ा सा छाछ जैसा बना लीजिए। उसके बाद हम लेंगे इसमें 1 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं तो उसको मिक्सर ग्राइंडर में एक बार आप चला करके ले सकते हैं। इस प्रकार से इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। तो हमारा ये बेटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए लगभग रेस्ट देते हैं। ये जब तक रेस्ट करता है तब तक हम इसको स्टीमिंग करने की तैयारी करते हैं। मैं यहाँ स्टीम करने के लिए स्टीमर ले रहा हूँ, आप किसी कढ़ाई में भी स्टीम करके इसको बना सकते हैं। तो लगभग 2 गिलास पानी इसमें मैंने डाला है, ये अच्छा सा उबल जाएगा, तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम जो हमारा ढोकला बनाने के लिए जो बैटर की आगे की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए पहले से हमको स्टीमिंग तैयार होनी चाहिए। उसके बाद इसको गर्म होने के लगते हैं और अब हमारा कंटेनर जिसमें हम ढोकला बनाएंगे उसको हमको थोड़ा सा हाइट वाला लेना है ताकि बड़े बड़े ढोकले बन सकें। अगर इस तरह का है तो वो काम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है तो ऐसा टिन जो होता है वो काम ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं तो किसी थाली में भी बना सकते हैं आप, इस प्रकार की थाली भी ले सकते हैं, उसमें थोड़े से पतले बनेंगे लेकिन बन जाएंगे आसानी से। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और हम इस प्रकार से ग्रीस करके तैयार कर लेंगे ताकि आसानी से छूट जाएगा ये। तो अब हमारा ये तैयार है, अब हम हमारे बैटर की तरफ चलते हैं। लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं, बैटर भी अच्छा सा फूल गया है। अब हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे पानी डाल करके। हमारा बैटर जो हमको कैसा चाहिए कि जैसा इडली बनाते हैं ना वैसा बैटर चाहिए, तो इसमें हम अब फ्लेवर के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट इसमें मिलाएंगे। ये हमने कद्दूकस कर लिया था, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे स्वाद और फ्लेवर जो आता है बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल मिलाएंगे इसमें, और ये ऑयल मिलाने से क्या होता है बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम हम स्वादानुसार इसमें नमक डालेंगे और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें ज़्यादा और कोई भी मसाले मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ये रेसिपी बहुत शानदार बनेगी, आप इसको अवश्य ट्राई करना, पक्का ट्राई करना। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी मिला करके इसको इडली जैसा बैटर होता है ना वैसा कर लेंगे, थोड़ा सा इसको पतला कर लेंगे। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है हमको लगभग इसकी चाहिए, इस तरह से ये तैयार है। अब हम इसमें इसको सॉफ्ट बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम, यानी कि इसको अगर अपन घर की चम्मच से नापें, ये जो खाने का सोडा ले रहे हैं जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, ये आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है। तो देखिए जो घर की चम्मच होती है उसमें आधा चम्मच से हल्का सा ज़्यादा ये सोडा इसमें डालेंगे और इसमें थोड़ा सा ऊपर पानी डालेंगे ताकि ये अच्छा सा एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि हमारा बैटर जो है अच्छा सा फूल जाएगा। तो हमको ध्यान ये रखना होता है कि बैटर में सोडा मिलाने से पहले हमारा स्टीमर तैयार होना चाहिए, पानी में भाप पहले से बनी हुई तैयार होनी चाहिए ताकि बैटर में हमारा जो ढोकला है रवा ढोकला सूजी ढोकला अच्छी तरह से फूल सके। जैसे ही थोड़ी देर घुमाया हमारा बैटर अच्छा सा फूल चुका है, इसको डायरेक्ट हम हमारे कंटेनर में टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उधर हमारा पानी, और इसमें एक चीज़ और है कि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर लाने के लिए हमने अच्छा सा दिखे, बहुत सुंदर दिखे, उसके लिए थोड़ी सी लाल मिर्च के ऊपर डाली है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इससे बहुत लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। उधर हमारा पानी भी गर्म होकर तैयार है, अच्छा सा उबल रहा है। इसके अंदर हम हमारे इस ढोकले के बैटर वाले टिन को इसमें रख देंगे और इसको ढक्कन लगा करके अब हमको एक खास टिप्स ये ध्यान रखनी है कि इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है। कम से कम 15 मिनट पहले इसको खोल के चेक नहीं करना है, नहीं तो अगर आप बीच में खोल देंगे तो आपके ढोकले जो है वो बर्फ़ी जैसे बन जाएंगे। तो अब ये जब तक हमारे ये पक रहा है तब तक हम एक चटनी बनाकर तैयार करते हैं, बहुत शानदार टेस्टी चटनी जिनको हम ढोकलों के साथ में खा सकते हैं। सुबह सुबह के नाश्ते में ये जो हल्का फुल्का नाश्ता बनता है ना बिना तेल वाला, बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया, थोड़ा सा इसमें हमने पुदीना मिला दिया, उसके साथ ही हमने एक हरी मिर्च ली है
और थोड़ी सी हम इसमें अदरक, एक इंच अदरक को काट करके इसमें डाल रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा हम स्वादानुसार हम सादा नमक मिलाएंगे और थोड़ा सा हम इसमें एक चम्मच जीरा मिलाएंगे और इसके अंदर क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसका गाढ़ापन बढ़ाने के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा मिलाएंगे और एक चम्मच इसमें नींबू का रस डाल रहे हैं और एक चम्मच हम इसमें चीनी डाल रहे हैं ताकि खट्टा मीठा और चटपटा तीनों फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पानी अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमने तैयार की है। देखिए बहुत शानदार सी हमारी हरे धनिए पुदीने वाली चटनी बन करके तैयार है। इसको अब तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही हेल्दी है। तो इस प्रकार से तैयार है। अब हम लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे ढोकले को हम चेक करते हैं कैसे बने हैं। तो स्टीमर का ढक्कन उठाएंगे, देखिए वाओ अच्छा सा फूल करके तैयार हो चुका है, अच्छे से बन करके तैयार है। अब हम इसको इसमें से बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसको आप चेक करने के लिए इसमें एक चाकू डाल करके बाहर निकालिए, उसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है तो इसका मतलब परफेक्ट सिक चुका है। वो हमारा जो वीडियो का पार्ट है वो आप इसमें थोड़ा सा मिस हो गया था, तो आप इसे डाल करके चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, जब तक ठंडा होता तब तक इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में एक चम्मच हमने ऑयल डाला, उसमें एक चम्मच हम राई डालेंगे और थोड़ा सा तिल डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा करी पत्ता, बस यही डालेंगे। हमारा तड़का बनकर के तैयार है। हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको नीचे उतार लेते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा होता तब तक हमारे ढोकला भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। इसको हम साइड से थोड़ा सा छुड़ाएंगे और इसको डीमोल्ड करेंगे। इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे उल्टी और इसको थोड़ा सा टेप करेंगे तो हमारा ढोकला जो है आसानी से इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए हमारा ढोकला कितना शानदार बन करके तैयार हुआ है, एकदम मोटा है, स्पंजी है और बहुत ही अच्छा दिखने में दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप जब बनाएंगे तो ये हेल्दी नाश्ता बहुत अच्छा लगेगा। देखिए काटने से ही आपको मालूम हो रहा है कि कितना ये स्पंजी बना है और सॉफ्ट है। देखिए इसकी जाली दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कितना जालीदार बना है, एकदम परफेक्ट है ये। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसका बार छोटे से पीस बना लेंगे और इसके ऊपर जो तड़का बनाया है इसके ऊपर डालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और इस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सर्वोत्तम रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और कहाँ आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी मेरे को बताना कि किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप। तो देखिए बहुत ही शानदार हमारे ये कम तेल में बनने वाला और कम टाइम में बनने वाला नाश्ता बन करके तैयार है। तो आप इस रेसिपी को सुबह की भागम भाग में, सुबह की दौड़ भाग में बिना एक भी गलती किए अगर मैंने जो बताया उन टिप से बनाएंगे तो आपके एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने बेसन के खमन ढोकले में आने वाली तीन मुख्य प्रॉब्लम और उनका परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ में वीडियो बताया है, स्क्रीन पर जो दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके पूरा वीडियो देखें।